अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे दोस्तों व्यूवर्स। तो भाई आज डॉक्टर आफिया का जो है ना हमने वीडियो देखा, जिसको देखने के बाद कसम से दिल रोया मेरे। दिल चीर देने वाला मंजर था। वो बेचारी अब भी जेल में है, 2 मार्च हो गया, उसका बर्थडे भी है। तो किसी पाकिस्तानी वाम से लेकर किसी एक बंदे ने भी उसको विश नहीं किया, और वो बेचारी अब तक उम्मीद में है कि कोई पाकिस्तानी मतलब मिल के पाकिस्तानी फौज या कोई प्राइम मिनिस्टर आके उसको आज़ाद कर देगा वहाँ से। लेकिन वो बेचारी जो है ना ख्वाब में गुजर रही है अपनी ज़िंदगी, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आ रहे हैं उनके दल्ले हैं अमेरिका के, और जो पाकिस्तानी आर्मी है वो तो डरपोक है, बुजदिल है। वर्दी पहन के लोगों को ऊपर बोलते हैं, वीडियो पर जाते कि पाकिस्तानी फौज ने ये हिम्मत जताया, वो किया, ये किया। बेगरत कौम है, बेगरत फौज है, ये जो अफसरान है उससे नीचे तक नीचे वाले तबके सिपाही वगैरह को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो शायद बेचारे उनके आर्डर के मोहताज है। तो ऐसे अफसरान जो भिकते हैं ना, तो ऐसे भी ऐसे ऐसे डॉक्टर आफिया जैसे काबिल खूनखार जो है ना तालिब इलम अमेरिका के जंगल में आ गए हैं। तो भाई आप लोग खुद सोचो, आपकी कोई माँ बहन हो, कोई बेटी वहाँ पे किसी और मुल्क के अंदर जेल में हो, उसके साथ जाती हो रहे हो, तो आपको कैसा बर्दाश्त होता है, क्या नहीं होता है। तो इसी तरह आफिया हम सब की बहन है, पूरे पाकिस्तानी कौम की बहन है, बेटी है। तो भाई ये फौज तो कुछ नहीं करने वाला, ये बुजदिल फौज कुछ नहीं करने वाला, ये अमेरिका से डरता है, सच बता रहा हूँ। ये कुछ नहीं है कि कोई वजह हो हम ये कर लेंगे बाद में, ये वजह है इससे नहीं करते, कोई वजह नहीं है। बुजदिल फौज है ये, ठीक है ना। इस फौज में पढ़े लिखे नौजवान को लेके जाते हैं, वहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन चलेगा पढ़े लिखने का? यार हम पढ़ को ले जाओ, कम कम जिगर तो होगा भाई लड़ने का। कल को कोई जंग हो गया बॉर्डर पर, देखो ये बहन किस तरह दुम दुआ के भागेंगे ये फौज। कहते हैं बेगलती फौजी अफसर को कहना चाहूँगा कि इसको आज़ाद कराओ बेचारी को, ठीक है ना, जो बन पड़े करो। वो भी किसकी बेटी है, तुम्हारी बेटी के साथ अगर ये हुआ था होता, जनरल मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है ना, फौज के जो जनरल है उसके अगर बेटी के साथ कोई इस तरह हादसा होता तो क्या करते? फिर भी तुम अमेरिका के तलवी चाहते क्या? बेशरम हो, कुछ शर्म करो। और ये सियासतदान पाकिस्तान के, वो भी एक नंबर का बेगलत है, कुछ नहीं कर पाते। तो अमेरिका से मैं ये कह जाऊँगा, इफ़ यू आर रिलीफ डॉक्टर आफिया देन आई विल फॉरगिव यू, इफ़ यू आर नॉट देन आई विल डिस्ट्रॉय योर ऑल कंट्री। ये वार्निंग है अमेरिका को, एक वक्त आएगा हम ज़रूर करेंगे, ना पाकिस्तानी फौज हमें रोक पाएंगे, ना कोई गवर्नमेंट हमें रोक पाएंगे। वैसे हमें पाकिस्तानी फौज से कोई उम्मीद नहीं इतनी बड़ी भी, क्योंकि इसने अपने आप को ना दुनिया के सामने बदनाम किया हुआ है, मजाक उड़वाया अपने आप का पाकिस्तानी फौज का, जिस तरह हरकतें करते फिर बोलते हम ये है हमारा फौज है, क्या लंड है फौज मेरा तुम्हारा, हाँ बातें चोते सर, कुछ होता नहीं है। अब अमेरिका ने ये सुन लिया, चलो लिहाजा अमेरिका ने ये वीडियो देख लिया, उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तानी कोई लड़का इस तरह बात कर रहा है, तो भेजेंगे अपने फौज तो नहीं भेजेंगे, उनके जो कुत्ते यहाँ पे पाले हुए ना वर्दी पहन के, वही आएंगे पकड़ने, भाई हाँ भाई तुमने अमेरिका के खिलाफ़ बोला, मैं तुम्हारे खिलाफ़ भी बोल रहा हूँ, तुम ये सोचोगे अमेरिका के खिलाफ़ हो, तुम्हारे खिलाफ़ भी बोल रहा हूँ, जुर्म कर रहा हूँ, जान के कर रहा हूँ, क्या कर लोगे, ले जाके मार दोगे, इंजेक्शन डालोगे, डर नहीं है मार दो। वैसे भी तंग आ गया, वैसे ऐसे मुल्क में पैदा हुआ ना, इसका अफसोस है मुझे, सबसे बेगरत मुल्क में, इस बेगरत मुल्क में मैं नहीं जी सकता, मार सकते हो तो मार दो, फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं पेंडी के अंदर हूँ, आप आके मार सकते हो मुझे, ठीक है ना। तुम अपने बंदों को मार सकते हो ना, बाहर के किसी दुश्मन को तो तुम मार नहीं सकते हो, तुम बेगरत हो, अपने लोगों को मारोगे, अपने घर के लोगों को ही मारोगे, ठीक है ना, कुछ शर्म करो यार। इसकी वीडियो देख के तुम लोगों को दिल रोता नहीं है क्या? कल को कोई तुम्हारी बेटी को किडनैप करेगा या जेल में ले जाएगा, अपनी इज्जत का सोचो, फिर क्या होगा, तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी, वो तो गरीब बच्ची है। तो मेरी ये गुजारिश है यार कि इसी तरह जो है ना पॉलिटिशियन से भी ये गुजारिश है जो भी आए, कि इसको जो है ना आज़ाद करने का कुछ सोचे, और पाक फौज से भी यही गुजारिश है कि अपने आप को बदनाम ना कराए। बचपन से हमारा ख्वाब था कि हम पाक फौज में जाएंगे, क्योंकि हमें पसंद था बचपन से, लेकिन जब से हालात देखे फौज के, करतूत देखे ना, खुदा की कसम नफरत होने लगा है, सारा प्यार मोहब्बत जो है ना एक ही पल में दरिया की तरफ बह गए दरिया के साथ, तुम लोग की अपनी वजह से, हरकतों की वजह से। तो कुछ शर्म करो यार, इस वर्दी का तो सोचो, कम अपनी ईमान अपना ईमान बेचते हो, तो पूरे पाकिस्तानी आवाम सोचते हैं कि सारे फौज को बोलते हैं, सारे फौज को नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कुछ लोग अच्छे भी है हमारे पाकिस्तान फौज में, बहादुर भी है, रहमदिल भी, अच्छे लोग भी हैं। तो ये जो बड़े बड़े वर्दी वाले जो डीजे ऐसे वगैरह वगैरह बड़े होते बिके उतने बिकाओ, अमेरिका के तलवा चढ़ने वाले, उनसे कह रहा हूँ मैं, सुधर जाओ बेटा।